अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना अहमद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी देर बाद वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी अपनी फैमिली में। मेरे हस्बैंड को थोड़े से बीमार हो गए थे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गए थे। कुछ उनको मोनो का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से और मैं ऑनलाइन नहीं हो सकी, अपलोड नहीं कर सकी वीडियो। उसके बाद थोड़ी सी और प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे बच्चों को भी डेंगी हो गया और डेंगी फीवर की वजह से जो है मेरे बच्चों की काफ़ी तबीयत जो है कंडीशन थोड़ी सीवियर ही हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, सबकी दुआओं से मेरे बच्चे जो हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ठीक हो गए हैं, बेटर हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ। सब लोग मुझसे पूछे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं, तो फिर मैंने कहा चलें करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने आज इसलिए वीडियो बनाई है। मैं आपको थोड़ा सा आज इंट्रो कर देती जाती हूँ कि मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, और इससे पहले जो जैसे मैट्रिक होता है मैट्रिक मैंने साइंस में किया। आफ्टर डैट मैंने ICSE जो है वो ज्वाइन किया कॉलेज से, उसके बाद मैंने BCom IT किया, उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने MBA फाइनेंस किया। इवन के मेरे जो थे वन सेमेस्टर जो है वो लेफ़्ट हो गया था शादी की वजह से, वो मैंने शादी के बाद जो है अपने वर्चुअल्स को कंटिन्यू करते हुए अपना जो है MBA वो कंप्लीट किया, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने जो है BCom करने के साथ साथ मैंने उस दौरान जो है बैंक में इंटर्नशिप की है, और साथ 1 or 2 years का जो है वहाँ पर मैंने जॉब भी की थी। मीनवाइल जो मुझे जी हर चीज़ का शौक होता है कि अब ये है, अब ये होना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए। साथ साथ मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग भी सीखी हुई है, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली सही सीखी हुई है। और मैंने भी आज जो है ये हुड मैंने स्टिच किया हुआ है सूट, आप शायद आपको मैनेज हो सके देखें, ये मैंने हुड स्टिच किया है। सो मुझे बताइएगा किस तरह स्टिच हुआ है, अगर आपको सही तरह पता चल रहा हो। और आप को मेरी वीडियो लाइक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जी बेल आइकन पे भी ज़रूर टच कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको तक जल्द पहुँच जाएँ। ये मैं स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं हाउस लेडीज़ हैं मैं उनके लिए बना चाहती हूँ, उनके लिए एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है अपने घर में जी शादी होगी आप लोग स्टडी छोड़ दें, शादी होगी आप सब कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को जो है अपने आप को मोटिव अपने बच्चों के लिए अपनी एक्चुअली फैमिली के लिए मैं भी आपको सपोर्ट दिया, मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत थी। उस वक्त मैंने जॉब भी की है, काफ़ी टाइम मैंने जॉब भी की है, ठीक है। जब नहीं है अल्लाह का शुक्र है अब जी मैं अपने बच्चों को घर में टाइम देती हूँ। यूट्यूब कह सकते हैं कोरोना वायरस, बच्चे घर में थे कोविड की वजह से और वो कहीं नहीं जा रहे थे, मैं उनको ड्रॉप करके घर में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जॉब पर जाऊँ और मेरे बच्चे जो हैं वो घर में जी शरारतें करें या कुछ भी बैड हैबिट्स आए उनमें। तो ये जो है उसके बाद मैं आपको ये बताती जाऊँ कि मैं हाउसवाइफ के लिए जो मैंने आपको स्टार्ट किया है कि मैं हाउसवाइफ को मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि अपने लिए एजुकेट करती रहा करें, अपने आप को स्किल्स दिया करें ताकि आप जो है आगे बढ़ सकें, आप कहीं पीछे ना रह जाएं। क्योंकि आजकल का दौर नहीं है कि आप पीछे रहें और आपको पता ना चल रहा हो कि दिस स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है। सो मुझे हर इंफॉर्मेशन लेने का शौक होता है, मुझे ये नहीं कि मैं जस्ट अगर इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ तो मैं 12 महीने पूरा दिन में 24 घंटे में इंटरनेट यूज़ करती हूँ, नहीं बिल्कुल सम टाइम्स टाइम मिले तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया पर रहूँ या मैं जस्ट फ़ोन पर टॉकिंग वगैरह करती रहूँ, फ़ोन चैट करती रहूँ। मैं जब भी फ़ोन यूज़ करती हूँ इंटरनेट यूज़ करती हूँ नेट सर्फिंग जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करती हूँ कि मुझे जो है इंफॉर्मेशन हो हर तरह की। ये नहीं कि मैं एक ही लाइन में जा रही हूँ जी, मैं अगर यूट्यूबर हूँ तो मुझे एज आ जस्ट ब्यूटिशियन टिप्स हों मेरे पास, लेकिन नहीं, मुझे आइडिया होता है कि मैं यानी कि मेरा माइंड में होता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये सोचती हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन है जो नई चीज़ आई है उसको अपने आप को जो है एजुकेट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। घर बैठ बैठ कर मैंने जो है ऑनलाइन स्टडी भी की है, फ्रीलांसिंग मैंने की है, उसमें भी मैं ऑन रहती हूँ, फ्रीलांसिंग भी मैं करती हूँ। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन है वो भी मैं कर चुकी हूँ, उसका भी सर्टिफाइड हूँ मैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एंड फ्रीलांसिंग की सर्टिफाइड हूँ मैं। और जो अब भी गूगल के जो कोर्सेज़ आते हैं वो भी मैं अप्लाई करती हूँ, वो वहाँ पर भी मैं ऑनलाइन जो है क्लासेस लेती हूँ, और मैं अनेबलर्स को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, अमेज़ोन पर। तो ये सब जो है इस वजह से नहीं कि मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ एक जगह, नहीं, ये बस इसलिए कि आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कोई भी मेरे से किसी भी तरह की बात करता है अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसका जो है आंसर आता होता है और मुझे
अच्छा जी, तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि थोड़ी बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपको इसका फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी कोई गलती है मुझे वो भी बताएं, और अगर आप कुछ मुझसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो काइंडली आप भी मुझसे वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।